हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे, ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लोकेशन पे हूँ मैं। और ये लोकेशन कोई और नहीं, ये है मनाली की बहुत फेमस एडवेंचर एक्टिविटी ग्राउंड सोलांग वैली। सोलांग वैली के अंदर मैं हूँ और अभी स्नो आप देख सकते हैं कितना अच्छा अभी यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। और अभी कितनी स्नो है, कहाँ तक के रोड्स ओपन है, ये सारा इस वीडियो में आपको पता लगेगा। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। मेरा नाम डोमा है और मैं अब स्कूल में जा रही हूँ। भाई भाई, पेपर देने है ना, एग्जाम है ना आज आपका। ये देखिए, ये क्या बात है, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ये और ये अभी देख सकते हैं आप, बहुत ही फ्रेश बर्फ है यहाँ पे, बिल्कुल फ्रेश है भैया। और यहाँ पे ये इनका युद्ध हम लोग दिखाएंगे अभी। इधर मुंह एक बार ऊपर मुंह तो कर ले। ये देखो भाई, भाई की दाढ़ी सफेद हो चुकी है, लेकिन ये बुढ़ापे वाली नहीं है, ये बहुत अच्छी स्नो। और ये अब हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली वाले बोर्ड पे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेड़ कितने सुंदर अभी हो चुके हैं, बहुत अच्छी बर्फ यहाँ पे, पेड़ों पे जमनी चालू हो गई है। ये पलचान का सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलचान, देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए अभी गाड़ी के ऊपर कितनी स्नो हुआ है, रात को स्नोफॉल, ये देखिए आप। अभी यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कितना स्नोफॉल हुआ है। और ये आप देख सकते हैं अभी जितने भी पेड़ हैं, ये सारे के सारे अभी वाइट होने शुरू हो गए हैं। और आज की डेट में एक बार हमारे साथ कुछ टूरिस्ट है यहाँ पे, इनसे मैं कंफर्म करवाता हूँ। HR19R5704 जी भैया, कहाँ से आए हैं आप लोग? भैया हम गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से आए, क्या शुभ नाम आपका? मंजीत नाम भैया। तो ये मंजीत भाई है जो कि गुड़गांव से आए हैं। मंजीत भाई, आज की डेट एक बार, डेट टाइम बता दो और किस जगह पे आप है ये बता दो। 31 तारीख है जनवरी की, और टाइम हो गया 9:10 2024 है ना, 2024। और मनाली में आए हुए हम। और अभी ये कौन सी जगह है? ये मनाली में कन्फर्म नहीं है भैया कौन सी जगह है, ये फर्स्ट टाइम आए हम सोलांग वैली। ये फर्स्ट टाइम आए हैं सोलांग वैली, सोलांग वैली ये जगह है। और ये देखिए अभी वीडियो के अंदर, और ये अभी देख सकते हैं आप, बहुत ही फ्रेश बर्फ है यहाँ पे, बिल्कुल फ्रेश है भैया। और यहाँ पे ये इनका युद्ध हम लोग दिखाएंगे अभी। ये देखो भाई, भाई की दाढ़ी सफेद हो चुकी है, लेकिन ये बुढ़ापे वाली नहीं है, ये बहुत अच्छी स्नो अभी यहाँ पे हो रही है। और मैं थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को भी लेके चलता हूँ, कुछ और भी टूरिस्ट है यहाँ पे जो स्नो के अंदर अभी मस्ती कर रहे हैं। ये देख सकते हैं अभी सारे के सारे पेड़ अभी वाइट हो चुके हैं, बहुत अच्छी स्नो अभी यहाँ पे हो रही है। और ये बहुत सी गाड़ियां अभी सुबह पहुंच गई थी, क्योंकि ये स्नोफॉल अभी कुछ देर पहले ही शुरू हुआ है, तो उस टाइम पे ये गाड़ियां ऊपर की ओर आ गई थी। और हमारे साथी बार बार जो है गाड़ी के अंदर जाके बैठ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं सोलांग वैली की ओर, सोलांग वैली के एक्टिविटी ग्राउंड की तरफ हम लोग चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं अभी कितनी स्नो हुई है। हेलो जी भैया, कहाँ से आए आप? हम आए सोनीपत से। सोनीपत से भाई आए हैं, हरियाणा से। स्पेशल भाई साहब, उसमें देख के पिछले 3-4 साल से आ रही थी, बर्फ नहीं मिल रही थी, उसमें देखा मनाली टेम्परेचर जब 100% 2 दिन के लिए दिखाया था भाई, लेकिन गाड़ी हमारी आगे नहीं था, पर ये गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दी।
ये भाई की गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी रोक दी, आगे रोड पे स्नो है जी बहुत ज्यादा। और अभी हम लोग और आगे थोड़ा सा चलते हैं, अभी लास्ट टाइम जब ऐसी स्नोफॉल हुई थी मेरा गिम्बल खराब हो गया था। और ये भाई एटीवी का मजा लेते हुए, और ये देखिए दोबारा से करके दिखाओ एक बार, चलो चलो हाँ जल्दी आओ जल्दी, बड़े अच्छे से कर रहे थे। मेरा नाम डोमा है और मैं अब स्कूल में जा रही हूँ, बाय बाय। मैं पेपर देने है ना, एग्जाम है ना आज आपका। ये देखिए ये क्या बात है, बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा। ये अभी हम सोलांग वैली से ऊपर अंजनी महादेव की साइड चले हैं, और यहाँ पे ये हिमांशु जी अजय जी ये अभी जिमनी से 4x4 टेस्टिंग करते हुए, यहाँ पे अभी नॉर्मल गाड़ियाँ अलाउड नहीं हैं तो ये 4x4 से हम लोग आ गए हैं अभी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 4x4 बड़े आराम से चली है, किसी तरह की भी अभी दिक्कत नहीं हो रही है चलने में। और अभी देखते हैं ऊपर कहाँ तक ये गाड़ी जा पाती है। और अभी ये पॉइंट ऐसा आया, 1 फीट के आसपास यहाँ पे अभी स्नो है, और यहाँ पे गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ पा रही है। अच्छा भाई धक्का लगाओ फिर चढ़ेगी, सीधी ले लो आगे वाले मोड से, सीधी आने दो, सीधी ले आओ ले आओ ले आओ, सीधी सीधी आने दो। अभी यहां पे गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है, ज्यादा रेस ना दो भाई, ज्यादा रेस से नहीं होगा। अभी चलो ट्राई करते हैं। और अभी पहुंच गए हैं हम सोलांग वैली से थोड़ा सा आगे, सोलांग वैली के पास पार्किंग ग्राउंड है जहां से अंजनी महादेव टेंपल के रास्ते शुरू होते हैं। और यहां पे अभी कितनी स्नो है ये आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी जो है अजय भाई स्टंट मारने का ट्राई कर रहे हैं जिमनी से, और मैं आप लोगों के लिए अपडेट्स जो कि डालते हैं। बहुत जल्दी कई बार उठना पड़ता है, कई बार देर रात को आना पड़ता है। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, रात को 12 बजे के आसपास मैं आया था, और अभी स्नो कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा स्नोफॉल अभी शुरू हो चुका है। और चारों तरफ कितनी बर्फ है एक बार मैं बैक कैमरे से अच्छे से आपको दिखाता हूँ। ये है अंजनी महादेव टेम्पल की पार्किंग सोलांग वैली के अंदर, यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करके ऊपर को जाते हैं। और यहाँ पे स्नो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी स्नो फ्रेश स्नो यहाँ पे हो चुकी है। और अजय भाई बर्फ में गाड़ी चला के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई, आज देखो एक बार ये क्या देखना है ये देखो भाई बहुत अच्छी अभी स्नो हो चुकी है यहाँ पे। नॉर्मल व्हीकल्स आप अभी आज सोलांग वैली तक नहीं ले के आ सकते। और अभी देखते हैं, आज रात को काफी स्नो दिखा रखी है, तो अभी देखते हैं कितना स्नोफॉल अभी यहाँ पे हो पाएगा। ये वीडियोस के लिए टेस्टिंग के लिए अभी लगे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा और आसपास की कुछ सीनरीज यहाँ की दिखा देता हूँ। अभी स्नो ये कल से चला है, अभी ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये कल यहाँ पे कल रात से खड़ी है,
तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि स्नोफॉल कितने इंचेस का हुआ है। ये आप देख सकते हैं, अभी ये एक गाड़ी है जो रात भर से यहाँ पे खड़ी है। उसके अलावा फिर यहाँ पे ये छत आप देख सकते हैं, ये कुछ टेंट वगैरह है यहाँ पे, इनकी छत पे भी आप स्नो देख सकते हैं अभी कितनी स्नो यहाँ पे है। और अभी जो रास्ता है अंजनी महादेव टेंपल का, ये वो रास्ता है अंजनी महादेव टेंपल का, जहाँ से ऊपर ये जितने भी रैंप वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे, ये सब पार्किंग है। और यहाँ से ये जितने भी पेड़ हैं ये सारे के सारे अभी सफ़ेद होने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए अभी पेड़ों पे अच्छी सफेदी अभी आ गई है। और ऐसे ही ये स्नोफॉल चलता रहा तो बहुत जल्द जो है आप लोग मजा ले पाएंगे सोलांग वैली के अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज का। यहाँ पे देखिए अभी कोई भी नॉर्मल व्हीकल नहीं पहुंचा है, कुछ गाड़ियां रात से खड़ी है और कुछ 4x4 व्हीकल्स है जो यहाँ पे आए हैं अभी। तो इससे आपको अभी अंदाजा लग गया है कितना स्नो अभी यहाँ पे हुआ है। तो दोस्तों ये स्नोफॉल देख के आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं? हम लोग तो खूब मजा ले रहे हैं मनाली के अंदर स्नोफॉल का। अगर आप लोगों ने भी स्नो देखनी है तो जल्दी से जल्दी मनाली का प्लान बना लीजिए। अभी सोलांग वैली में 1 फीट के आसपास स्नो हो चुकी है और अभी ये स्नो दिन भर यूं ही चलती रहेगी। आज रात को तो बहुत हैवी स्नोफॉल दिखा रही है। तो जितनी भी एक्टिविटीज आप लोग सोलांग वैली के अंदर करने की सोचते हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज कल परसों से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। कल भी आप 4x4 व्हीकल से तो सोलांग वैली आ पाएंगे। बाकी कल का वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें आपको मनाली की अपडेट्स मिलती रहेगी। तो वीडियोस को इस चैनल को खूब सारा प्यार आप दे रहे हैं, यूं ही प्यार देते रहिए जिससे हम लोग जो है इंस्पायर होके डेली की डेली आप लोगों के लिए मनाली की अपडेट्स लेके आते रहें, जिससे आप जब भी मनाली आते हैं मनाली आने में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो रही है। वीडियो में आप छाता देख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले ही रखा था, कितनी स्नो यहाँ पे हो चुकी है। तो बहुत मजा आ गया आज की स्नोफॉल के अंदर। तो आप लोग भी ऐसे मजे लेने के लिए मनाली जरूर से आइए। मनाली अभी सबसे बेस्ट जगह है अगर आप लोगों ने फ्रेश स्नो देखनी है, फ्रेश स्नो के अंदर स्नो एक्टिविटीज करनी है।